नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फार्म यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपका किसान दोस्त मनीराज। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग का नया वीडियो जो कि होने वाला है प्री बॉइल्ड राइस के बारे में। तो बहुत सारे हमारे जो भी किसान दोस्त है वो मेरे से क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे कि ये प्री बॉइल्ड राइस, पारा बॉइल्ड राइस या प्री सोक्ड राइस ये सब क्या है। तो ये सब जो भी है ये एक ही चीज का नाम है, वो क्या है आज हम लोग आपको बताने वाला है। तो पहले अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग अगला वीडियो कौन सा टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मिस्टर सोंटो जी, आपको पता है प्री बॉइल्ड राइस या पारा बॉइल्ड राइस क्या है? सोंटो जी को तो नहीं पता है, तो चलिए हम लोग बताते हैं। हम बताते हैं आपको कि प्री बॉइल्ड या पारा बॉइल्ड राइस क्या होता है। देखिए, राइस का बहुत सारा अलग अलग क्वांटिटी और क्वालिटी होता है। तो प्री बॉइल्ड राइस आप लोग 2 से 3 महीना अगर न्यूज देखते होंगे अच्छे तरीके से, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था प्री बॉइल्ड राइस करके, वो बहुत ट्रेंड में चल रहा था। मतलब गवर्नमेंट का भी उसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज था, हम लास्ट में बताएंगे क्या है। पहले बताते हैं प्री बॉइल्ड राइस क्या होता है। तो राइस तो होता है, जैसे कि हम लोग खेती करते हैं उसको निकालते हैं, लेकिन जो नॉर्मल राइस होता है उसको फिर वो जाता है मिल में, जहाँ पे उसका ऊपर का जो कवरिंग होता है और उसको जिसको खल्ली या भूसी बोला जाता है वो उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद उसके अंदर से जो निकलता है वो होता है, आप लोग यहाँ फोटो भी दिख रहा होगा जो भी हम बोल रहे हैं उसका साइड में इमेज आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो उसका अंदर से जो निकलता है वो जो ऐसा कवरिंग रहता है उसका अंदर से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं राइस। तो उसको फिर हम लोग मार्केट में वो प्रोसेस होकर के जाता है, मार्केट में बिकता है और फिर उसको हम लोग खरीदते हैं और उसी को फिर पका करके खाते हैं। तो ये जो पारा बॉइल्ड राइस होता है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग खेत से लेकर गए हैं, पैडी लेकर गए हैं, उसको पहले क्या किया जाता है कि पानी में या तो 3 घंटा नहीं तो 8 घंटा तक पानी में हल्का पानी, गर्म पानी में छोड़ दिया जाता है। तो वो क्या होता है, पानी सोख लेता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब चावल अगर बिना इस प्रोसेस का मिल में जाता है तो वो क्या होता है, टूट जाता है। तो अगर इस प्रोसेस के बाद, जैसे कि अगर हम लोग चावल को पैडी को बॉइल कर देते हैं तो इसके बाद अगर मिल में जाता है वो थोड़ा सा फूल जाता है। तो फूलने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा साइज का इंक्रीज हो जाता है और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो वो मिल में जाता है तो क्या होता है, टूटता नहीं है। इसलिए बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं कि इसको इस प्रोसेस से मतलब बॉइल करके मिल में ले जा रहे हैं, और जैसे कि वो टूटता नहीं है। अगर चावल टूट जाता है कोई भी किसान का जैसे लेकर ले जाता है तो उसको उसका अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारा चावल टूट गया तो क्वालिटी उसका घट जाता है। इसलिए सब कोई प्री बॉइल्ड राइस मिल में लेकर के जाता है, वहां पर प्रोसेस होता है और फिर वो मार्केट में बिकने के लिए आता है। तो अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि बहुत, जैसे कि ओडिशा, झारखंड, केरला, तेलंगाना, हरियाणा, ये सब जगह में राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसको खरीदती तो है और खरीदना भी चाहिए। तो 3 महीना पहले, जो कि जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में बताया था कि 3-4 महीना पहले एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ आंदोलन चल रहा था जिसमें क्या हो रहा था, गवर्नमेंट बोली थी कि हम प्री बॉइल्ड राइस और नहीं खरीद पाएंगे। तो उसका मेन रीजन क्या था कि गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा पहले से ही स्टॉक है, मतलब बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है। और इंडिया में क्या होता है, राइस और वीट का खेती इतना ज्यादा होता है कि हम लोग या तो एक्सपोर्ट करते हैं उसको, नहीं तो हम लोग के कंट्री के लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट रहता है। जितना भी किसान चावल या गेहूं का खेती करता है वो बहुत ज्यादा सफिशियंट होता है और उससे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जो हम लोग को पॉपुलेशन को, मतलब हम लोग को जितना पॉपुलेशन है उसको फीड कर लेता है, उसके बाद में हम लोग का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रहता है। तो बहुत सारा बाकी का कंट्री से अगर डिमांड नहीं आता, क्योंकि बाकी का कंट्री भी वो मेथड इंट्रोड्यूस कर लिया है कि राइस को और वीट को किस तरह प्रोसेस या खेती किया जाता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, तो एक्सपोर्ट भी सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है और एक खाने का चीज तो है लेकिन कितना खाएगा आदमी। अब उतना अगर उसके घर पे खाने भर का है, जैसे कि हमारे घर है, हमारे घर में इतना बड़ा टीन का डब्बा है, तो इसमें अगर भरा हुआ चावल है तो और चावल हम लोग क्यों खरीदेंगे। तो ठीक, गवर्नमेंट के साथ भी वही हुआ है कि गवर्नमेंट के पास भी इतना ज्यादा स्टॉक है कि वो और चावल खरीद नहीं सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अब प्रोडक्शन हो रहा है इतना तो वो उसको खरीदे। अब देखिए इसका आगे होता क्या है, अब तक तो कोई रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन प्री बॉइल्ड राइस का मेथड यही होता है कि उसको पहले हम लोग सोक करते हैं पानी में, फिर वो उसका मेन रीजन होता है कि वो टूटता नहीं है, इसके वजह से ही उसको मतलब मिल में उस तरह बॉइल करके ले जाया जाता है। और इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, बेनिफिट्स है कि इसका न्यूट्रिशंस जो क्वालिटी होता है, जो चावल में न्यूट्रिशंस होता है
वो बढ़ जाता है। और एक इसका ड्रॉबैक भी है, जैसे कि चावल को अगर 3 से 4 या 8 घंटा तक हम लोग पानी के अंदर रखते हैं तो उसका एक अलग तरीका का स्मेल आता है। तो उस स्मेल को हटाने के लिए क्या किया जाता है, एक क्रोमो सॉल्ट करके आता है, क्रोमो सॉल्ट, तो उसको स्प्रे किया जाता है चावल के ऊपर। तो चावल के ऊपर जैसे स्प्रे करते हैं तो स्मेल तो गायब हो जाता है, लेकिन वो जो क्रोमो सॉल्ट आता है वो और वो चावल चावल का जो भी न्यूट्रिशंस है वो मिल करके एक अलग न्यूट्रिशंस बना देता है, जो कि हम लोग को बॉडी के लिए तो हेल्दी रहता है लेकिन उसमें एक अलग तरीका का स्मेल भी आता है। तो वो थोड़ा सा अलग लगता है खाने में, लेकिन बाकी चावल जो प्री बॉइल्ड पारा बॉइल्ड या जो भी ये राइस है उसका कॉन्सेप्ट यही है, बस इतना ही है कि उसको पहले हम लोग बॉइल करके ले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा। और अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि ये इसका मेथड क्या है, या आने वाला जो भी हम लोग का नया वीडियो है या नया टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम लोग वहां पे क्लियरली डिस्कस कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भगवान।